हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सज्जाद पठान आपसे यूके से जुड़ रहा हूँ। कोरोना वायरस के मामले में ये मेरी दूसरी वीडियो है। कल हमने बात की थी मेरी पहली वीडियो में अबाउट कैसे अपने आप को बचा सकते हैं हम, कैसे प्रिवेंशन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से सही आंकड़े देख सकते हैं और जनता कर्फ्यू में कैसे पार्टिसिपेट करना है। आज मैं बात करूँगा नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू के कोरोना वायरस से कैसे बचना है, बट कुछ मुश्किलें जो अब आ रही है उसके बारे में मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखूंगा। अगर आपको मेरे सुझाव ठीक लगते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें। अगर सुझाव में कोई बदलाव चाहते हैं या आपके पास कोई अच्छे सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट करें। कहीं पे आपको अगर मेरी बात समझ नहीं आती, अगर मैंने बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर दिए तो मुझे माफ़ करिएगा, मगर कोशिश करूँगा मैं जितना हो सके उतना हिंदी में बोलने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज हमने सक्सेसफुली एक ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया को दिया है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम सारे भारतीयों के पास अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल थॉट्स है, रिलीजियस थॉट्स है, फिलोसफिकल थॉट्स है, और कुछ उनके तरफ से ठीक है, कुछ दूसरों की तरफ से उनको वो लगता है गलत है। मगर आज हमने दुनिया को बता दिया कि हम 130 करोड़ भारतीय एक परिवार है, और किस परिवार में विवाद नहीं होता। मगर जब बाहरी दुश्मन होता है, जब बाहरी मुश्किल आती है, तो ये परिवार एकजुट होकर उसको हराता है और उसको फेस करता है और एक दूसरे का सहारा बनता है। आज हमने ऐसा इतिहास रच दिया है कि जनता कर्फ्यू में इट वॉज सच अ सक्सेस कि हम सारे लोग एक साथ मिलकर सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक अपने घरों में कैद रहे अपनी मर्जी से, ताकि हम इस महामारी से बच सकें, इस महामारी से लड़ सकें। मगर ये सिर्फ एक शुरुआत है, और मैं कहूँगा कि ये एक ट्रायल था हमारे लिए। हमको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमने कर दिया और काम हो गया। ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते और चलेगा, और कोई शायद सरकार पूछे ना आपको कि फिर से कर्फ्यू लगाएं, मगर मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझकर ये कर्फ्यू खुद पर लगाएं और अपने घर में रहें, जितना हो सके उतना घर में रहें, बाहर ना निकलें, भीड़ ना बनाएं। कई राज्यों में आज सरकार ने सेक्शन 144 लगा दिया है, जिसका मतलब है कि हम भी ज़्यादा लोग, 4 से 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर मैं चाहूँगा कि ये हम खुद से ही करें, ना कि कोई सरकार हमें बोले, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे देश के हर नागरिक को बचना है, हमारे हर देश को बचाना है इस कोरोना वायरस से, तो हम सबको एक साथ होकर इस दुश्मन का सामना करना है। तो धन्यवाद आप सबका कि आपने आज ये इतिहास रचा। काफ़ी मुश्किल था, जाहिर सी बात है, आप सबको लगा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट था कि 14 घंटे किसी से मिले बिना, अपने दोस्त यारों से मिले बिना, घर से बाहर निकले बिना, अपने घर में खुद कैद रहे। काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इंसान को एक सामाजिक प्राणी की तरह बनाया गया है, सोशल एनिमल की तरह, जो सोशलाइज करने में बिलीव करता है। मगर हमने फिर भी ये कर दिखाया, और ये हमको आगे भी जारी रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे सक्सेस नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं। हमने डेफिनेटली इसको स्लो डाउन तो किया होगा 14 घंटे में, मगर ये नहीं बोल सकते कि हमने चेन या प्रोग्रेस या साइकिल को ब्रेक कर दिया। इस दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो जनता कर्फ्यू में पार्टिसिपेट नहीं किए, मगर उन कुछ लोगों से आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा उन लोगों से कि वो भी हम सब का साथ दें और वो भी घर से बाहर ना निकलें। मेरे कुछ मित्र है इंडिया में, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ मैसेज किया था मुझे कि आज भी जो नॉन कोरोना इमरजेंसी पेशेंट्स है उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो उनके साथ में 4, 5, 6 परिवारजन एक साथ पहुंच जा रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, केवल 1 से 2
रिश्तेदार उनके साथ उन हॉस्पिटल जाएं, उनको वहाँ छोड़ें, और एक अगर हॉस्पिटल बोलता है कि एक बंदा रुकना चाहिए तो एक जन वहाँ रुके और दूसरा तुरंत वापस आ जाए। जितना हो सके हॉस्पिटल को अवॉइड करें, हॉस्पिटल आपके लिए सेफ नहीं है। तो जो रिलेटिव्स हैं वो प्लीज़ इस बात का एहतियात रखें कि आपके सगे संबंधियों को जब आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो झुंड में ना जाएं, ग्रुप में ना जाएं, एक से दो लोग जाएं और वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दूसरी बात पे आता हूँ मैं कि आज शाम को 5 बजे हमने एक दूसरा इतिहास रचा। आई फेल्ट सो प्राउड कि मुझे गर्व हुआ इस बात का कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जबकि आप लोगों ने 5 बजे मिलकर तालियों से थालियों बजाकर, घंटियां बजाकर, शंख बजाकर अब हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल कर्मचारियों, हॉस्पिटल अधिकारियों को और टैक्सी ड्राइवरों को जो इमरजेंसी सप्लाई कर रहे थे, एम्बुलेंस सर्विसेज को, पुलिस ऑफिसर्स को और वॉलंटियर ग्रुप्स को प्रोत्साहन दिया। ये प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है, ये प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है, ये उनको मनोबल देता है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके सगों का, आपका ख्याल रख रहे हैं। इसीलिए ये मनोबल एक बार में नहीं, हमेशा में चलना चाहिए। इस दौरान कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि लोग सोशल गैदरिंग कर रहे थे, 5 बजे सब इकट्ठे होकर घर के बाहर आकर पटाखे फोड़ रहे थे, गाने गा रहे थे, नाच रहे थे। ये पूरे पर्पस को डिफीट कर देता है। पर्पस ये था, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अपनी खिड़कियों पे आए, बालकनियों में आए और प्रोत्साहन करें, मगर ये कोई त्यौहार नहीं है कि आप आकर कोई जुलूस निकालें या प्रोसेशन करें। तीसरी बात पे आता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की सहूलत मिल जाती है, यानी आपकी पूरी तनख्वाह आ रही है और आप घर बैठे काम कर रहे हैं। थोड़े नेगेटिव्स है, घर में बैठकर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, मोटिवेशन नहीं आता, बच्चे होते हैं घर में, काफ़ी लोग होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, मगर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम मतलब है कि आप घर में ऑफिस बनाकर काम कर रहे हैं, ना कि ये एक हॉलीडे सीज़न है तो प्लीज़ छुट्टियां ना मनाएं, छुट्टियों पे ना जाए, बिकॉज आप स्वार्थी बन रहे हैं ये सोच कर कि आप वर्क फ्रॉम होम, हम वहाँ चले जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, मगर यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ और आप दूसरों को भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप घर छोड़कर ना जाएं। ये मौका है परिवार के साथ रहें, ये मौका है फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय करें, फैमिली मोमेंट्स कैप्चर करें। जो पुरुष है घर के, वो किचन में महिलाओं का हाथ बटाएं या घर में बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ कुछ सीखें, बच्चों को कुछ सिखाएं, नई तरीके सीखें, बच्चों के लिए एक अच्छे आदर्श बने, होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट सीखें कि हो सकता है कि हमको होम स्कूलिंग करना पड़े फॉर द फ्यूचर 4 to 5 months, तो होम स्कूलिंग क्या होती है इस बारे में सीखें, होम स्कूलिंग कैसे करनी है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। ये बहुत सही मौका है परिवार के साथ रहने का और हमारे परिवार को फिर से इकट्ठित करने का। स्पेंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स विथ योर फैमिली, स्टे सेफ। कुछ रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ चैनलों ने कहा था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इग्नोर किया बिफोर आस्किंग फॉर जनता कर्फ्यू, यानी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। जो डेली वेज वर्कर्स है, जिनका रोज़ का काम पे उनका घर चलता है, और दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज कर दिया उन होमलेस लोगों को जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनको, उन बुज़ुर्गों को जो अकेले अपने घरों में रहते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया। गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई सहूलत नहीं दी। इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, मगर मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि सरकार अपना काम कर रही है, करने दीजिए, सरकार की मदद कीजिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है अब तक, तो रादर देन आस्किंग जाके हम सरकार से सवाल करें, वो करना आपका आपका हक है, मगर इस मौके पर क्यों ना हम खुद इनिशिएटिव लें। क्या आपके घर में, आप
एक वक्त का एक्स्ट्रा भोजन एक इंसान या दो इंसान के लिए बना सकते हैं, तो बस बारी बारी से सोसाइटी में जो बुजुर्ग रहते हैं उनके ऊपर, उनके लिए भोजन बनाए, उनके लिए खाना बनाए, उनका हालचाल पूछने पहुंच जाए कि वो ठीक है, उनको कुछ मदद चाहिए, अपनी तरफ से खाना बनाए जो आपके सोसाइटी के आसपास कहीं रोड साइड पे कोई होमलेस रहते हो तो उनकी मदद करें, एक बार का खाना उन्हें खिला दें। क्या पता भगवान किस रूप में आपके साथ आपके घर का भोजन कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात पे आता हूँ मैं, प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना और उसके लिए गैदर होना। मेरा ये मानना है, ये मेरे पर्सनल थॉट्स है, कि प्रार्थना करने के लिए एक स्थान का होना ज़रूरी नहीं है, प्रार्थना करने के लिए मन का होना ज़रूरी है, ईश्वर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो हमको जो है जहाँ हो सके वहाँ आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता मैं, मगर हो सके तो मस्जिदों में भीड़ करना, क्योंकि इस वक्त पिछले जुमा के दिन कई रिपोर्ट्स आई थी कि मस्जिदों में भीड़ अभी भी हो रही है। तो मस्जिदों में रहन भीड़ में जाना, नमाज़ पढ़ना और मंदिरों में जाना, चर्च में जाना, ये इस दौरान इस मुश्किल समय में थोड़ा अवॉइड करें, घर पर नमाज़ पढ़ लें, घर पर प्रार्थना कर लें और भगवान सबके सुनेगा और हमारी नमाज, हमारी प्रार्थना कबूल होगी। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो क्लिप आया था शाम को 5 बजे, जो प्रोत्साहन चल रहा था, सब अपने बालकनियों में तालियां बजा रहे थे और प्रोत्साहन कर दे रहे थे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल कर्मचारियों को, नर्सेस को और पुलिस को। उसमें एक रास्ते पर चलने वाला कचरा फेंकने वाला कर्मचार, रास्ते पर कचरा उठाने वाला, रैग पिकर जिसे कहते हैं, वो भी खड़े रहकर ताली बजा रहा था और लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था। तो इट वॉज़ अ वेरी टची मोमेंट, मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि लोग समझ रहे हैं कि ये जो लोग इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले जो है, टैक्सी ड्राइवर्स है, ये कितनी मुश्किल समय में अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों को सेफ रख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही टची थी। अब मैं आता हूँ डॉक्टरों के ऊपर और नर्सेस के ऊपर और हॉस्पिटल कर्मचारियों के ऊपर, कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गर्व का काम है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की जान बचा रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये बात को कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको करोड़ों भारतवासियों का सलाम। और आप जो कर रहे हैं वो एक अनोखी चीज़ है। इतने मुश्किल समय में याद रखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च के दरवाजे बंद है और बीमार मरीज, एक लाचार इंसान आप में भगवान को ढूंढ रहा है। तो सोचो, आपको उन्होंने एक भगवान का दर्जा दे दिया, तो आप के ऊपर इतने होप्स लगी है और आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है कि आपने अगर एक इंसान की जान बचा दी तो सारी ह्यूमैनिटी बचा दी, तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन डॉक्टरों का, इन नर्सों का, इन हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं इनका ख्याल रखें, इनको थोड़ी फैसिलिटीज़ मुहैया कराएं, इनके खाने पीने का ख्याल रखें, इनको थोड़ी वर्किंग आवर्स में थोड़ी तब्दीली दें, थोड़े फ्री करें, प्रॉपर ब्रेक दें, ऐसा कुछ करें तो बेटर होगा। और मैं हॉस्पिटल के बाकी कर्मचारियों से यही करूँगा कि आप भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ठीक हो तो आपके पेशेंट्स ठीक है,
अपना ख्याल रखें, आपके साथ करने वाले साथ में काम करने वाले जितने भी कलीग्स हैं उनका ख्याल रखें, उनके साथ छोटे ब्रेक्स शेयर करें और इस तरह एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। जो लोग हॉस्पिटल के निकट रहते हैं और जिनके रेस्टोरेंट्स हैं जो हॉस्पिटल के करीब है, या कुछ खाने पीने के पदार्थ है जो अफोर्ड कर पाते हैं, या लोकल लीडर्स है, ये उन हॉस्पिटलों में प्लीज़ इन जो कर्मचारी हैं, नर्सेस, डॉक्टर और बाकी हॉस्पिटल के कर्मचारी, इनके लिए कुछ खाने पीने का डोनेट कर सकते हैं, कोई कुछ, सो दैट दे फील मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड कि गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर नहीं किया है, किसी ने उनको इग्नोर नहीं किया है, और वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मोटिवेट करें। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ये सब के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोड पर आकर लोगों से विनती कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और लोगों से विनती कर रहे हैं कि घरों में रहें, ये पुलिस ऑफिसर्स को मेरा सलाम। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज जनता कर्फ्यू में काम किया, इन्होंने किसी को पनिश नहीं किया। बहुत सारी रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने किसी को पनिश नहीं किया, देवर इनक्रेजिंग के आप प्लीज़ घर चले जाइए, जो गलती से बाहर आ गए हैं, घूम रहे हैं या किसी काम से बाहर आ गए, उनको इनक्रेज किया कि वापस घर चले जाएं, और दे वर नॉट पनिशिंग एंड दे वर वेरी कर्टियस एंड काइंड टू देम। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड एट दिस टाइम। जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं ताकि जो कोई मरीजों को या कोई किसी को सही जगह पे पहुंचा सके, उन टैक्सी ड्राइवरों को मैं बोलूँगा कि आप जो है सेवा कर रहे हैं ना कि काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाए तो उनको उनकी मदद करें, और ऊपर वाला उसको आपको इन रिटर्न ये सब देख रहा है आपकी मदद करेगा। एक और आइडिया आया था, जो हमारे टेलर्स हैं, अगर उनके पास कोई साफ कपड़े हैं और थोड़ी स्पेयर टाइम है, तो क्यों ना वो घर में बैठे और मास्क बनाएं और लोगों में बांटें। इस तरह हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। हम जो है ये सब करने से एक एग्जांपल सेट करेंगे कि हम स्वार्थी नहीं हैं, हम परमार्थी हैं। ये वीडियो को मैं यहाँ पे अंत करूँगा। अंत करने से पहले मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन बताऊँगा। ये लिखा है कि मनुष्य सबसे ग्रेटेस्ट, मैन इज़ द ग्रेटेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स एंड दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ वर्क द बेस्ट प्लेस इन इट बिकॉज ओनली हियर इन इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट चांस फॉर हिम टू बिकम परफेक्ट। यानी ये हमारी कर्म भूमि है और ये वही जगह है जहाँ हम परफेक्शन हासिल करेंगे। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हेल्प अस टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।